हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 क्लास 7, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 18 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट रहेगी, असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5, जिसमें आपको 10 एमसीक्यूज क्वेश्चंस दिए गए हैं। और जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं बच्चों, वो आपकी वर्कशीट नंबर 23-24 दो वर्कशीट्स के ऊपर बेस्ड रहेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। और आप ये जो वर्कशीट है बच्चों, इसको एक क्विज़ की तरह लेंगे। और मेरे आंसर बताने से पहले ही कोशिश कीजिए कि आप अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लें। सो फर्स्ट जो है आपको क्या दिया गया है, डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ पेंसिल और पेन। तो आपको जो भी सही आंसर है उसको सर्कल कर देना है। क्वेश्चन फर्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी इज कॉल्ड। तो जो बॉडी के अंदर फूड लेकर जाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपको दिया गया है इंजेशन, सेकेंड है एसिमिलेशन, थर्ड है डाइजेशन एंड फोर्थ रहेगा नन ऑफ दीज। तो इसमें सही आंसर जो आपका रहेगा, सही आंसर आपका रहेगा यहाँ पर इंजेशन, फर्स्ट जो है आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा। जो फूड को हम अंदर लेकर जाते हैं दैट प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन, ठीक है, टेकिंग फूड जो हम लेते हैं। सेकंड देखिए, फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। तो जो बक्कल कैविटी है उसकी जो फ्लोर पे पीछे की तरफ जो मस्कुलर फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच रहता है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है स्टमक, ऑप्शन सेकंड है टंग, ऑप्शन थर्ड है स्टूडेंट्स लीवर एंड ऑप्शन फोर्थ रहेगा पेनक्रियास। सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो रहेगा सेकंड, टंग जो है वो फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द फूड गेट ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉल पीसेज विद द हेल्प ऑफ। जो फूड है वो स्मॉल पीसेज में तोड़ दिया जाता है किसकी हेल्प से, गॉल ब्लैडर, सेकेंड ऑप्शन टीथ, थर्ड ऑप्शन है लीवर एंड फोर्थ ऑप्शन है स्टमक। सही आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, टीथ। टीथ जो है वो जो फूड होता है उसको जो है ब्रोकन डाउन कर देते हैं इंटू द स्मॉल पीसेज। तो फर्स्ट का आंसर आपका फर्स्ट रहेगा, सेकंड का आंसर सेकंड रहेगा, थर्ड का आंसर आपका सेकंड रहेगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, डैश टीथ आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग। कौन से टीथ जो है वो कटिंग और बाइटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इंसीजर, सेकेंड ऑप्शन है प्रीमोलर, थर्ड है केनाइन एंड फोर्थ है मोलर। सही आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, इंसीजर। इंसीजर टीथ आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, इट हैज़ मेनली 4 टेस्ट बर्ड्स, आइडेंटिफाई हु एम आई। मेरे पास जो है यानी इसके पास जो है क्या है, 4 टेस्ट बर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफाई करना है मैं कौन हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है टंग, सेकेंड ऑप्शन है टीथ, थर्ड ऑप्शन है स्टमक एंड फोर्थ ऑप्शन है बकल कैविटी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 4 टेस्ट बर्ड जिनसे हम मीठा खट्टा नमकीन सब टेस्ट कर पाते हैं वो किससे कर पाते हैं, विद द हेल्प ऑफ टंग, ठीक है। ये फर्स्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू। जो हमारे मुंह में सलाइवा होता है वो उसका क्या कार्य होता है, उसका क्या फंक्शन है। तो वो जो है जो स्टार्च होता है उसको किस में ब्रेक डाउन कर देता है, उसको शुगर में बदल देता है। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, फर्स्ट जो है इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ का आंसर रहेगा फर्स्ट, फिफ्थ का आंसर रहेगा आपका फर्स्ट, सिक्स्थ का आंसर आपका फर्स्ट, तीनों का आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है, द कंडीशन इन विच अ पर्सन पासिस आउट वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली इज कॉल्ड। तो इसमें क्या है कि ऐसी वो जो कंडीशन होती है जिसके अंदर पर्सन जो है वो वाटरी स्टूल जो है पास आउट करता है फ्रिक्वेंटली, उसको क्या कहा जाता है।
ऑप्शन फर्स्ट डायरिया, ऑप्शन सेकंड इन्फेक्शन, ऑप्शन थर्ड इंजेशन एंड ऑप्शन फोर्थ रहेगा नन ऑफ दीज। सही आंसर हो जाएगा डायरिया। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डायरिया यानी दस्त लगना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, डैमेज ऑफ टीथ ड्यू टू रिलेटेड एसिड्स थ्रू द लेफ्ट ओवर फूड इन माउथ इज कॉल्ड। डैमेज जिसमें हमारे टीथ जो हैं वो एसिड्स के कारण जो हमारे दांत होते हैं उनमें खाना जो रह जाता है अगर हम प्रॉपरली ब्रश नहीं करते हैं तो उससे भी जो एसिड रिलीज होता है उससे हमारे टीथ जो डैमेज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टूथ डिके, सेकेंड है टूथ एक, थर्ड है टूथ टीथ डैमेज एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। सही आंसर हो जाएगा टूथ डिके, फर्स्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी फर्स्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व्ड इन चूइंग ऑफ फूड। डाइजेस्टिव कैनाल का कौन सा पार्ट जो है वो फूड को चू करने में इन्वॉल्व है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टामक, सेकेंड ऑप्शन लार्ज इंटेस्टाइन, थर्ड ऑप्शन है बकल कैविटी, फोर्थ ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दीज। सही आंसर है डाइजेस्टिव कैनाल का बकल कैविटी जो पार्ट होता है जिसके अंदर हमारी टंग है, हमारे टीथ हैं, वो कंप्लीट कैविटी क्या होती है, बकल कैविटी होती है और वही जो फूड है उसको चू करने में पार्ट जो इसका यूज़ होता है। थर्ड आंसर रहेगा इसका बकल कैविटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है, द डैश हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। जो है सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करने में किसका रोल होता है। ऑप्शन फर्स्ट टंग, ऑप्शन फोर सेकंड रहेगा, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन सेकंड रहेगा टीथ, ऑप्शन थर्ड है आपका स्टमक एंड ऑप्शन फोर्थ रहेगा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टंग, फर्स्ट जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट। तो ये थी आपकी आज की बच्चों साइंस की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।